जी अपने बच्चे और अपने काम के बीच में जो भी टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सैल्यूट है जी उनको। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो जी हम उठ गए हैं सवेरे सवेरे, अभी बज रहे हैं सुबह के कितना, 7:15। हाँ जी, तो हम जो उठे थे 6 बजे ही उठ गए थे, तो लगभग 1.25 घंटा हमारा बेटा जो है हमारे साथ खेला, और अब इसको जो है दादा दादी के पास लेकर के जा रहे हैं। दादा दादी के पास जाएगा, वहाँ भी खेलेगा कुछ देर। जब तक वहाँ खेलेगा तब तक अपना यहाँ कुछ काम निपटा लेते हैं। हमारा बाबू जो है यहाँ सोफा पर लेट चुका है, देखो इसको पकड़े हुए यहाँ जो दूध देता है ना, वो हमको उस पर शक है, बगल में है, अच्छा दूध देता है। उसका दूध देती का है ना, उतना सुधरा है 3 दिन से। A few moments later. मेरा तो बूंगा है, ये आ गया दादी के पास से। वाह, दादी के पास रहा ये, कुछ देर खेला, भूख लगी, दूध पी लिया, सो लिया, फिर आ गया। हाँ, मजे में है एकदम, मजे में है ये। ओ बूम, ओ बूम, ओ बूम बूम। हाँ, कुछ देर पहले ये डाल रहा था अपना उंगली मुंह में, खूब खेल रहा था, फिर देख लिया ये मुझे, लगा अब पापा चाहिए मुझे, उंगली उंगली कुछ नहीं चाहिए। तब नाटक करने लगा, बस नाटक शुरू। ये देखिए, और इसका हाथ देखिए, ये जो है हाथ को ऐसे पलट लेता है बिल्कुल। भाई साहब, हड्डी उड्डी में गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। हाथ को बिल्कुल ऐसे पलट लेगा इसी मोड में ये। भाई साहब क्या है तुम, रबर मैन, रबर है। ये देखो, जब भी कैमरा आता है एकदम शांत हो जाता है, कई बार हरकत ही नहीं करता है, समझता है कि मेरी हरकत रिकॉर्ड हो रही है, मम्मा बाद में दिखाएगी, सब कहेंगे कि मैं बदमाश हूँ। मैं तो बदमाश हूँ नहीं, ऑफ कैमरा बदमाश हूँ, ऑन कैमरा नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन बदमाश हूँ, ऑनलाइन नहीं हूँ। अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 2, सभी का खाना पीना हो गया है, और बाबू भी सो रहा है, जिया भी सो रही है, माँ भी चली गई है नीचे सोने के लिए, और अभी ही समय है जी, थोड़ा सा 1 घंटा सभी लोग जाकर के आराम कर लेते हैं, बरसते हैं कि बाबू बस जग ना जाए। तो उम्मीद है कि बाबू जो थोड़ी देर सोएगा, उसे जब भी दिन में वह सोने जाता है तो 1-2 घंटे की नींद जरूर लेता है, तो तब तक हमें भी मौका है कुछ आराम करने का, चलते हैं जाकर के थोड़ा आराम फरमा लेते हैं। हमारी नींद हो गई जी पूरी, तो हम तो उठ गए, और इधर देख रहे हैं जिया भी पहले से उठ करके बैठी हुई है, और यहाँ खा रही है, क्या खा रही है, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी खत्म कर दी है जिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ी, थोड़ा सा हमको दे देती, आप तो सब खा गए, मेरे लिए थोड़ा सा छोड़े, हम बस खाली खाए थे एक लाइन का भी आधा लाइन, और एक लाइन जो है मोलो खा लिया था, उसके बाद जो है दूसरा का आधा लाइन हो, उसके बाद सारा लाइन तो अभी हम आए उधर से सोके, ये यहाँ रखा हुआ था, और ये सुबह खाए तो बोले थे आधा लाइन तुम्हारे लिए, तुम खा लेना, ठीक है अभी जा रहे सोने, बाद में खाए, और आए यहाँ रखा हुआ था, देखते हैं उसमें 2 को बस बचा हुआ, उसमें थोड़ा सा हमको दे दो ना, था हमने जैसे मुँह बनाया ना, तो मुँह तो सरा हुआ बनाती है, तब फिर उसमें से भी 1 दे दिए। कोई बात नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए, तब सोचना क्या। अभी बज रहे हैं जी 7:45, और जिया जो है अभी लग गई है काम पर। जी असल में हमारे यहाँ खाना बनाने आया करती थी वो दीदी, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो है आ नहीं रही है किसी कारणवश, तो जिया बैठी हुई है अभी बनाने के लिए, और यहाँ पर जो है सरसों तेल की कमी हो गई है, तो चलते हैं सरसों तेल लेकर के आते हैं, साथ में और भी कुछ लेना था ना, मिर्च या कुछ भी, और कश्मीरी मिर्च लेना है, जो कि आपको सुबह ही बोला गया था ये सब चीज लेके आने के, लेकिन आपने लेके नहीं। कोई बात नहीं, उस समय मौका नहीं मिला, अभी मौका है तो लेकर के आ जाते हैं। तो जी दरअसल बात क्या है कि पास में ही दुकान है, तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, सोचते हैं कि पास में तो है कभी भी लेते आएंगे, तो इससे कल माता नहीं है, ये सही बात है, तो चलते हैं सीधा दुकान। हाँ डैडी क्या करते हैं, करवा तेल लाते हैं, तो बहुत तेल खर्चा करती है, इसलिए बीच में छोड़ी सी पे तुमसे मंगा लेते हैं, मेकअप होते रहता है। अच्छा, आज और हम एक होशियारी हो गया, क्या हो गया, डैडी को बोल दिए है एक तो मेरे स्टॉक में रहेगा। वाह बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है शैतान ऊपर आ गया है, झूले में मजे से झूल रहा है। अभी तिवारी दादी और आई थी नवीन भैया की माँ, दोनों तिवारी दादी के देह पर मूत के अपना चला आया। वही शैतान, वैसे अब इसको सोने का मन है, मेरा पोता शुद्ध कर रहा है। वाह, वैसे शुद्ध ये सबको कर चुका है, एक भी ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसको इसने शुद्ध नहीं किया। मैं पति से इससे बात कर रही थी, माँ ठहका दे रहा था पूरा। वाह, दादी से बहुत दोस्ती हो गया इसकी, खूब बच्चा को मानती है,
दोनों मानती हूँ। A few moments later. तो यहाँ पर हमारा लग गया है जी खाना, तो जल्दी से बैठते हैं और खाते हैं। कैसा लगा बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका लग रहा है कि हम उनसे पूछ रहे हैं। आपको कैसा लगा? ये चना दाल मस्त लगा, ये भुजिया भी मस्त है। ठीक है, तो खाइए आप दोनों। आप दोनों जब खाइएगा तब दीदी डैडी खाएंगे। नेक्स्ट डे अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7:30 और हमारा बाबू जो है अभी नीचे है, नीचे जा करके जो है सो रहा है और हम लोग भी जो है अपना काम थोड़ा सा अपना निपटा लिए हैं। जिया सारी कपड़े जो है धुल चुकी है और इन सारे कपड़ों को जो है लेकर के छत पर जाते हैं क्योंकि जिया जो हैवी वेट जो है उसको उठाती नहीं है। तो चलते हैं। ये सब कपड़ा कब साफ हुआ था? रात में की सुबह में? रात में, और उसे छोड़ दी थी सूखने के लिए। उसे अभी भी बारिश का ही समय लग रहा है। नहीं, अभी मौसम सुबह ही है इसलिए ऐसा लग रहा। कहीं उठाना नहीं पड़े दौड़ दौड़ के वहाँ से। क्या करेंगे? तो इधर जिया जी काट रही है अपना सब्जी और इधर हम काट रहे हैं अपना पपीता। यहाँ जिया काट रही है कच्चा पपीता और उधर पति देव काट रहे हैं पक्का पपीता। अच्छा, हमको लगा कद्दू है। पपीता ही है। 20 minutes later प्रियांश जो था अभी तक नीचे था, अपनी दादी के पास था, दादाजी के साथ भी खेल रहा था और मजे में था। लेकिन अब जो है मम्मी आ गई है ऊपर और इसको भी लेकर के आ गई है और यह भी जो है हमारे साथ आराम से मजे में लेटा हुआ है, देख रहे हैं। और जब भी कैमरा ऑन होता है या कैमरा की तरफ देखने लग जाता है। वही लगता है जब ये बड़ा होगा ना ये भी व्लॉगिंग करेगा। व्लॉगिंग करेगा क्या? करेगा। जी अपने बच्चे और अपने काम के बीच में जो भी टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सैल्यूट है जी उनको। हमसे तो नहीं मैनेज हो रहा। होता क्या है जी, उधर अपना काम रहता है और इधर ये रहता है, तो लगता है इसको छोड़ करके कैसे चले जाए, वह भी खराब लगता है। फिर दूसरी तरफ ये लगता है कि अपना काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, काम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी असमंजस में जो है पिछले 3 महीने से जो है समय कट रहा है ना। देखिए क्या मजे में है, गौर से सुन रहा है जैसे कि इसको सारी बातें समझ में आ रही है। स्टार्ट करिए पुशअप। 1 2 3 मजा आया। चलो ये 1 2 3 4 मालिश करवाएगा। अब बारी हो गई मालिश की, बहुत हो गया खेला हुआ। ठीक है, मम्मी भी वहाँ बैठी हुई है मालिश के इंतजार में, सोच रही है कब ये मेरा बेटा उठेगा मालिश करेंगे। लेकिन इसको जो है यहाँ पर फुर्सत ही नहीं, बहुत बिजी है, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है ये। चले चलो। तो अब जिया ने जो है मालिश का मोर्चा संभाल लिया है और उधर मम्मी जो है किचन का मोर्चा संभाल लिया है। तो सभी अपने अपने मोर्चे पर तैनात है, हम भी चलते हैं अपने मोर्चे पर। उससे पपीते की सब्जी बन रही है। अच्छा, वो बेसन डाल के ना, चलो वो चल सकते। One hour later. अभी आए हुए हैं जी मार्केट के साइड। मार्केट के साइड अपना एक दोस्त है सूरज, जिसको कई बार हमने ब्लॉग में दिखाया हुआ है। उसने नई गाड़ी ली है, हुंडई का क्रेटा है, तो सोचा कि थोड़ा सा इसको भी चला लिया जाए। और ऐसी एक चीज कहना चाहेंगे, फोर व्हीलर में जहाँ गाड़ी चलाने की बात आती है, अभी तक सिर्फ एक ही गाड़ी चलाए हैं, वो है अपनी गाड़ी महिंद्रा XUV 300। तो उसे चला करके देखते हैं। अपनी गाड़ी के अलावा कोई दूसरा ही फोर व्हीलर है जिसको मैं चला रहा हूँ, अभी तक किसी और गाड़ी पर हाथ नहीं आजमाया। वैसे बाइक में हाल है, होंडा साइन ज्यादातर चलाए हैं 90%, 10% कोई और चलाए थे। गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और थोड़ा सा जो है ड्राइव कर भी लिए हैं। और शुरुआत में तो थोड़ा सा लग रहा था अटपटा कि क्या चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, लेकिन जब चलाने लग गया, अब हाथ बैठ गया, कॉन्फिडेंस आ गया है जी। और कुछ अच्छा खासा किलोमीटर चला चुके हैं और आगे भी चलते हैं और सोचते हैं किसी ट्रिप पर निकालो अगर गाड़ी तो हम ड्राइवर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर खोज ही रहे थे हम। अच्छा। बाहर जी वो फाटक लगा हुआ है तो इसी कारण जो है गाड़ी रुकी हुई है और हमारे पीछे भी कई सारी गाड़ी है, तो इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के गुजरने का। तो जल्दी से गुजारिए महाराज ट्रेन को, निकले हम तक। आ गए जी फाइनली गाड़ी के अंदर और हमारा जो है खाना हो गया, थोड़ा सा नाश्ता सब करना था तो कर लिए। और सूरज जो है अभी उधर से आ रहा है और बारिश हो रही है बड़ी खतरनाक, तो जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या यहाँ पर रुक ही जाया जाए, क्योंकि सोचे कि नहीं रुकने का कोई फायदा नहीं, जहाँ पर गाड़ी को पार्क लगाना है वहाँ जा करके पार्क कर देते हैं। तो ये भी आ गया है।
बारिश भयंकर हो रहा है, भयंकर बारिश है। तो जा रहे हैं जी जहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगाना है वहीं पर जाके पार्किंग लगा देते हैं, तब तक बारिश छूट गई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बाइक है वहाँ पर लगा हुआ और इस बारिश में बाइक लेकर इस तरह से निकलना थोड़ा मुश्किल है। चलते हैं आगे। नहीं नामुमकिन। 20 मिनट्स लेटर। तो चला लिया जी गाड़ी को, गाड़ी को भी लगा दिया है पार्क में और अच्छी बात यह है कि बारिश भी छूट गई है तो अब जो है आराम से घर भी जा सकते हैं।